हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू IITian एक्सप्लेन्स। तो जैसा कि आपको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रैंक बूस्टर की सीरीज चल रही है और हम बात कर रहे हैं उन क्वेश्चंस की जो कि जेई मेंस 19 और नीट 19 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इस सीरीज में कई प्रीवियस वीडियोस आपके पास आ चुके हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहे हैं। आपका फीडबैक जानकर हमें बहुत खुशी हुई। अब आज के लेक्चर को हमने प्रीवियस कई लेक्चर से और भी अपग्रेडेड और एडवांस्ड रखने की कोशिश की, एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ द क्लोजनेस और प्रॉक्सिमिटी टू द जेई मेंस 19 एंड नीट 19। इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल हमने मैप्ड किया है बिल्कुल मेंस 19 और नीट 19 को ध्यान में रखते हुए 18 के पेपर को कंप्लीटली एनालाइज करने के बाद जो डिफिकल्टी लेवल हमने पाई उसके अकॉर्डिंग इस पेपर को मैप्ड किया गया है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये कुछ वो क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल क्लोज क्वेश्चंस हैं जेई मेंस 19 और नीट 19 के लिए। उम्मीद है ये आपको काफी पसंद आएगा। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आपके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी इस कंपाउंड को देख के। स्पार्टेम, ये एक बहुत ही कॉमन आज के डेट में कंपाउंड है जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है और ये जनरली आपने डाइट कोक या जीरो पेप्सी देखी होगी, उनके जो कैंस होते हैं उस पर लिखा हुआ होता है स्पार्टेम। ये एक तरह का शुगर है और ये एक्चुअली करता क्या है, आप इसको समझे। ये हमारे बॉडी में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके ब्रेक डाउन हो जाता है एस्पार्टिक एसिड में, फिनाइल एलानिन में और मेथेनॉल में, जो कि फर्दर फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है। बहुत ही तेजी से इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होता है और क्वेश्चन ये ही पूछा गया है। बेसिकली ये कंपाउंड आपका जो डेली लाइफ इन केमिस्ट्री है, हमारे एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, उससे लिया गया है और क्वेश्चन को एसिड डेरिवेटिव के साथ मिक्सअप किया गया है। तो ध्यान से देखते हैं, ये स्पार्टिम का स्ट्रक्चर है और हमसे बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए बोला गया और टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स के यहाँ पे बात आई है। तो इसमें टोटल फंक्शनल ग्रुप अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपका एक फंक्शनल ग्रुप एसिड है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपका अमीन है और ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये एक्चुअली एक ही फंक्शनल ग्रुप है एसिड अमाइड का। तो तीन हो गए और ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है आपका एस्टर। तो टोटल मिला के चार फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है, तो इट हैज फोर फंक्शनल ग्रुप, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर हमसे पूछा गया हाइड्रोलिसिस करने के लिए। अब बहुत आपको बहुत बढ़िया से पता है कि एसिड अमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एस्टर क्या होगा, एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो ये यहां से भी ब्रेक डाउन होगा। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पे COOH वाला पार्ट लगेगा। अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये कुछ ऐसा आपके पास बनेगा, ये यहां से आ जाएगा COOH और ये पार्ट चला जाएगा NH2 में, ये वाला पार्ट यहां से CH3 का हट जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और CH3OH आ जाएगा। तो ये तीन चीज बनेगी। ये जो पहली स्पेसीज आपको बनती हुई दिख रही है इसको बोला जाता है स्पार्टिक एसिड। स्पार्टिक एसिड ये अपने आप में एक अमीनो एसिड है, ठीक है। इस तरफ से आते हैं, ये अब बहुत ध्यान से देखो तो ये फिनाइल एलानिन है, तो ये जो दूसरा कंपाउंड हमें फॉर्म हुआ है दिस इज फिनाइल एलानिन और फिनाइल एलानिन भी आपका एक अमीनो एसिड है, ये आप बायोमॉलिक्यूल में पढ़ चुके हो, अमीनो एसिड है और ये मिथेनॉल फॉर्म हो रहा है। मिथेनॉल फर्दर जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर्मल्डिहाइड में और ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है जो कि डेली लाइफ इन केमिस्ट्री बायोमॉलिक्यूल एसिड डेरिवेटिव हाइड्रोलिसिस कंसेप्ट को चेक करता है। बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन था। तो टोटल यहां पे दो अमीनो एसिड बन रहे हैं, एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन। तो ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड बनता है। तो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बिल्कुल तैयार रहना इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। उम्मीद है आपका सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे बोला गया है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, वेरी गुड। यहां पर एक क्वार्टिनरी सॉल्ट दिया गया है और जो रिएक्शन करवाने के लिए आपको बोला गया है ये रिएक्शन है हाइड्रोजीन के साथ। ध्यान देना, हाइड्रोजीन के साथ और बेस के साथ। तो एक्चुअली ये हाइड्रोजीन बेस क्या करता है, ये बेसिकली उल्फ किशनर रिएक्शन के अंदर, उल्फ किशनर रिएक्शन में, रिडक्शन में यूज होता है। तो ये क्या करेगा, CO को रिड्यूस कर देगा CH2 में, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस और टेम्परेचर को देख रहे हैं जो कि इलिमिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन है और यहां पर इलिमिनेशन इस वाले पार्ट का होगा जो कि अपने आप में एक क्वार्टिनरी सॉल्ट है, 4 डिग्री सॉल्ट है। और जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि क्वार्टिनरी सॉल्ट का
जब हम हीट करते हैं, पायरोलिसिस करते हैं, तो बेसिकली ये हॉफमैन इलिमिनेशन दिखाता है, मतलब यहाँ पे लेस ब्रांच एल्किन बनता है। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम है ही नहीं ब्रांचिंग की ज्यादा, तो सिंपल सी बात है, आप हीट करोगे तो ये पार्ट यहाँ से क्लीव अप हो जाएगा और ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे CH2 आ जाएगा। क्या हमारे पास ऐसा कोई आंसर है? एक बार चेक करते हैं। सेकंड, आप ध्यान से देखो, ये जो CO वाला पार्ट था CH2 में कन्वर्ट हो चुका है उल्फ किशनर रिएजेंट के वजह से, और यहाँ पे इलिमिनेशन हो चुका है क्वार्टनरी सॉल्ट का, और ये जो आपका बाय प्रोडक्ट में आएगा CH3 एक अमीन रिलीज हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जो कि इलिमिनेशन के कंसेप्ट को चेक कर रहा था और उल्फ किशनर रिएक्शन इसके अंदर यूज किया गया था। उम्मीद है ये भी आपका सही हुआ होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बस बढ़ते जाओ, सीखते जाओ। A compound which can give positive iodoform test, bromine water test, FeCl3 test, but does not give tolerant test. Okay, ये basically आया है POC and test of functional group से, मतलब practical organic chemistry and test of functional group का question है, जहाँ पर कई chapter से relate करके question दिया गया है। बोला है कि एक compound है जो कि iodoform test देता है, bromine water test भी देता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी देता है, बट टॉलेंट नहीं देता। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंपाउंड की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, यस, CO के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे CH3 है, अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड है, तो हाँ जी ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। फिर बोला ब्रोमीन वाटर टेस्ट, नहीं ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है। फिर हमसे बोला गया फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट बेसिकली फेनोलिक ग्रुप के लिए होता है जो कि एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये आपका फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी देगा। टॉलेंस तो नहीं, ये कीटोन है, ये आपका टॉलेंट नहीं देगा। कीटोन्स के केस में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही एक एक्सेप्शनल है जो कि देंगे। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस देखते जाओ। अब हम आते हैं इस कंपाउंड की तरफ। यहाँ पे तो यहाँ पे ऑब्वियसली आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी नहीं देगा, FeCl3 के साथ ये टेस्ट दे देगा और टॉलेंस के साथ भी इसका रिएक्शन नहीं होगा। आगे हम आते हैं, हमसे बोला गया है कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट CH3 है, हाँ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट काम कर रहा है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट देखो, अनसैचुरेशन यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ और यहाँ, तो ब्रोमीन वाटर के साथ भी टेस्ट दे देगा, हाँ जी दोनों टेस्ट दे दिए। FeCl3 यस, इसमें फेनोलिक OH प्रेजेंट है, तो FeCl3 के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाने का वॉयलेट कलर का, तो FeCl3 टेस्ट भी देगा। बट डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, क्या? यस ऑब्वियसली ये कीटोनिक ग्रुप है जो कि टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, तो इसका मतलब जो थर्ड है इसी में ये सारे प्रॉपर्टीज हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और FeCl3 टेस्ट देता है लेकिन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है। तो बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन था ये, तीन क्वेश्चन जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे कंसेप्ट को चेक करने के लिए जैसे क्वेश्चन आजकल मेंस 19 और नीट 19 में जैसे क्वेश्चन को पूछे जाने की उम्मीद है उस पर ये फोकस्ड करके क्वेश्चन थे। ऐसे और भी कई शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं थ्रू आउट सिलेबस जो आपके कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, चेक करेंगे, तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट क्लासिकल क्वेश्चन फ्रॉम जीओसी। एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को टटोलने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको वो चीज पता है? पूछा गया है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा पोजीशन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। हालांकि मैंने क्वेश्चंस में नंबर पुट कर दिए थे, बट आप नंबरिंग को भी ध्यान में रखें। नंबरिंग इसका कुछ ऐसे किया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए सबसे बढ़िया पोजीशन कहाँ है जहां पर इलेक्ट्रोफाइल जाके कनेक्ट हो सकता है, लेट्स से E+। तो E+ कहां जाएगा, किस पोजीशंस पे जाएगा, ऑप्शंस में कुछ पोजीशंस दिए गए हैं। देखो, जब भी मोर देन वन फ्यूज सिस्टम रिंग होता है तो हमारी कोशिश होती है इलेक्ट्रोफाइल को कुछ ऐसा कनेक्ट किया जाए जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंजीन रिंग आपस में इंटैक्ट रह सके। अब इसको मैं सिंपली याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो मैं आपको बोलूंगा 9 और 10 को रट जाओ, बट वो साइंस नहीं है, दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमें समझना होगा व्हाई 9 और 10 पे ही क्यों जा रहा है। मैं इसका क्लासिकल अप्रोच आपको बताता हूं। पहले आप मुझे ये बताओ, अगर मैं बेंजीन के रेजोनेंस एनर्जी की बात करूं तो आपको पता होगा बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल होता है, लेकिन अगर दो रिंग को आपस में कनेक्ट कर दो, फ्यूज्ड कर दो, तो नेप्थलीन बनेगा और नेप्थलीन में आप पाओगे ये ओनली 61 किलो कैलोरी पर मोल होता है। अब एक रिंग और इंसर्ट कर दो, तीनों को मिक्स कर दो, एंथ्रासीन बना दो और आप पाओगे ओनली 84 है।
देखो कंक्लूजन क्या निकला, अगर हम सिंगल रिंग में बात करें तो 36 था, डबल रिंग में बात करें तो पर रिंग हमारा 61/2 मतलब 30.5 किलो कैलोरी पर मोल था, तीन रिंग को हमने आपस में मिक्स कर दिया तो ये और भी कम हो गया 84/3 मतलब 28, तो 36, 31.5 और 28 किलो कैलोरी पर रिंग हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जितने बेंजीन रिंग अलग अलग इंटैक्ट रहेंगे रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा रहेगी। मतलब इसका कुछ ऐसा है कि अगर मैंने लेट्स से मैं यहां कनेक्ट करके दिखाता हूं, लेट्स से इलेक्ट्रोफाइल आता है और 9 पे कनेक्ट हो जाता है, तो एक हाइड्रोजन था, एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ये बॉन्ड हट गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट हो जाता है तो बेटा ध्यान से देखना स्ट्रक्चर ऐसा कुछ फॉर्म ले लेगा। अब आपके पास 1 2 3 1 2 3 और यहां पे आ गया है H और यहां पे आ गया इलेक्ट्रोफाइल और इस जगह पे आ गया पॉजिटिव। अब आप बहुत ध्यान से देखो, अगर हम इस इलेक्ट्रोफाइल को किसी दूसरे सिस्टम पे इंटैक्ट करते तो एक नेप्थिलीन जैसा सेंटर बनता, एक नेप्थिलीन जैसी चीज बनती और इसकी रेजोनेंस एनर्जी, ये जो दो बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट होते, इसकी रेजोनेंस एनर्जी जैसा कि अभी मैंने आपको बोला 61 किलो कैलोरी पर मोल होती। लेकिन अभी अगर तुम देखोगे तो एक बेंजीन रिंग यहां पर, एक बेंजीन रिंग यहां पर इंटैक्ट है, तो 36 और 36 मतलब 72 किलो कैलोरी पर मोल इस सिस्टम की ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी है। तो 61 ज्यादा है या 72 ज्यादा है, ऑब्वियसली 72 ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन है, हाईली स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन। यही रीजन है कि EAS में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में एंथ्रासीन के केस में 9 और 10 पर इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट होना पसंद करता है, क्योंकि ऐसा करने से दो बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहते हैं जिससे रेजोनेंस एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। तो अगर हम इस वाले रिंग पे या इस वाले रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते तो उस कंडीशंस में रेजोनेंस एनर्जी मैक्सिमम 60-61 किलो कैलोरी ही रहती, लेकिन इस केस में टू बेंजीन रिंग इंटैक्ट हैं जिससे रेजोनेंस एनर्जी 72 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास है और बनने वाला कार्बोकेटायन भी हाईली स्टेबलाइज्ड है। अब आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा सकते हो, ई का जो नेक्स्ट पार्ट था NU यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। तो क्लियर हुआ ना कंसेप्ट? तो इस बात को भूलना नहीं है कि बेंजीन के केस में मैंने आपको डेटा दिया है 36 किलो कैलोरी पर मोल, नेप्थिलीन के केस में 61 किलो कैलोरी पर मोल, एंथ्रासीन के केस में 84 मतलब पर रिंग की बात करें तो 36, 30.5 एंड 28 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो ये बहुत ही मैथमेटिकल अप्रोच था जिसका यूज करके मैंने आपको समझा दिया कि EAS एंथ्रासीन के केस में किस पोजीशन पे होना पसंद करता है। तो याद रखेंगे मोर देन वन फ्यूज रिंग अगर सिस्टम होता है तो आप उस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का इलेक्ट्रोफाइल ऐड करो जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहते हैं जिससे कि रेजोनेंस एनर्जी मैक्सिमाइज हो सके। बहुत ही क्लासिकल और कोर कंसेप्ट था, उम्मीद है आप फ्यूचर में गलती कभी नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द करेक्ट IUPAC नेम, क्लासिकल क्वेश्चन है, एक IUPAC नेम जनरली रहता ही है मेंस और नीट के अंदर, तो यहां पर भी एक क्लासिकल क्वेश्चन दिया गया। चलिए कंपाउंड को देखते हैं, एक पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है और इस कंपाउंड में एसिड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल ब्रोमाइड और हमारे पास एक एस्टर लाइक ग्रुप कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी एसिड को। नाउ अगर हम इस साइड से चलते हैं तो हमें दूसरी पोजिशन पे ही एक एसिड क्लोराइड मिल रहा है, लेकिन यहां से दूसरा वैकेंट पोजिशन है तो नीचे से चलना पसंद करेंगे। तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5 और 6, तो अब यहां से ये हो गया क्या हमारे पास सेकंड पोजीशन पे, मैं पहले लिख लेता हूं, ये हो गया 2 क्लोरो कार्बोनिल और ये हो गया 4 ब्रोमो कार्बोनिल और इसका नाम बहुत क्लासिकल है, कैसे लिखेंगे, अगर इस ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए ढक लो तो ये क्या होगा प्रोपेनॉइल, दिस इज यहां से यहां तक CO तक, ये हो गया प्रोपेनॉइल और ऑक्सीजन को क्या करेंगे ऑक्सी, तो प्रोपेनॉइल ऑक्सी, तो 5 हो गया 5 प्रोपेनॉइल ऑक्सी। तो अब अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो, पहले आएगा बी, उसके बाद आएगा सी और लास्ट में आएगा पी, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो कार्बोनिल 2 क्लोरो कार्बोनिल 5 प्रोपेनॉइल ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसको नंबर नहीं मिला ओइक नहीं लगेगा, तो पेरेंट का नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 4 ब्रोमो कार्बोनिल 2 क्लोरो कार्बोनिल 5 प्रोपेनॉइल ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पहले नंबर पे ही हमें करेक्ट नेम मिल गया है। तो प्रायोरिटी हमने देखी, कुछ जूनियर फंक्शनल ग्रुप को हमने यहां पे देखा जो ये सब थे
सीनियर एसएफजी आपका सीओएच था और जेएफजी आपके तीन ग्रुप थे, तीनों को हमने प्रीफिक्स के जैसा सब्स्टिट्यूएंट्स के जैसा बिहेव करवाया और फाइनली जो पेरेंट था साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड था, नाम लिख दिया। तो इस तरह के नाम उम्मीद है आपको आते होंगे और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उम्मीद है आपका ये सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अनदर क्लासिकल क्वेश्चन। जनरली मैंने इस सीरीज के अंदर टॉलेंस और फेहलिंग बेनेडिक्ट पे ज्यादा क्वेश्चन पुट करने की कोशिश किए हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में होते हैं। बहुत ध्यान से देखो तो कुछ कंपाउंड्स दिए गए, हमें बोला गया है कि इनमें से जो टॉलेंस से ऑक्सीडाइज हो जाएगा बट फेहलिंग सॉल्यूशन इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। अब टॉलेन फेलिंग क्या होता है मोस्टली आपको पता होगा, हम उस पर बात करने नहीं जा रहे हैं। मैं आपको यहां पर बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट कुछ बता देता हूं जिसको आप याद रखें, भूलेंगे नहीं। देखो जनरली कुछ ही केसेस को छोड़ के जैसे ग्लायोक्सल, ग्लायोक्सिलिक एसिड, बेंजल्डिहाइड, परफ्यूरल या और भी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ये सब कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे आपका टॉलेंस रिएजेंट तो वर्क कर लेता है बट फेहलिंग सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो क्या क्या हो गए भूलेंगे नहीं, ग्लायोक्सल, ग्लायोक्सिलिक एसिड, बेंजल्डिहाइड, परफ्यूरल एंड अदर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, इनके साथ दिक्कत आती है। तो चलिए केस पे आते हैं। पहला केस हमारे पास सक्सिनल्डिहाइड का है, तो सक्सिनल्डिहाइड क्या होगा, तो बेटा ध्यान से देखना, टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज कर देगा, एफएस फेलिंग सॉल्यूशन भी ऑक्सीडाइज कर देगा, इजिली कर देगा। आगे आते हैं फॉर्मिक एसिड पे, हाँ फॉर्मिक एसिड को जो टॉलेंस रिएजेंट है टीआर भी ऑक्सीडाइज कर देगा, फेलिंग सॉल्यूशन भी ऑक्सीडाइज कर देगा। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारे पास ग्लायोक्सल है, दिस इज ग्लायोक्सल, और अभी अभी मैंने बताया ग्लायोक्सल को टॉलेंस रिएजेंट कर देता है पर फेलिंग सॉल्यूशन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लायोक्सिलिक एसिड, है ना, सिर्फ एक सीओएच का ऑक्सीडेशन हो गया, ग्लायोक्सिलिक भी सेम ऐसे ही है, टॉलेंस रिएजेंट कर देगा, फेलिंग सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा। आगे आते हैं, ये हमारे पास है परफ्यूरल, आपने कैलिजरो में देखा होगा इसको, है ना, परफ्यूरिक एसिड और परफ्यूरल अल्कोहल बनता है, तो इस केस में भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो टॉलेंस रिएजेंट कर देगा, फेहलिंग सॉल्यूशन नहीं कर पाएगा। तो भूलेंगे नहीं इन कंसेप्ट को। तो हमारे पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, फटाफट सुन लो, ग्लायोक्सल, ग्लायोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होंगे वो फेलिंग सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। फेलिंग सॉल्यूशन वैसे कीटोन को भी नहीं कर पाता है, इन एक्सेप्शन है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, उसको ये कर देता है, ठीक है ना, आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटल्डिहाइड इसको भी ये कर देता है। तो ये सब कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन करता है कौन कौन नहीं करता, मैंने डिटेल आपको बताया तो फ्यूचर में भूलेंगे नहीं। जेई मेंस 19 में हाई प्रोबेबिलिटी है, नीट 19 में हाई प्रोबेबिलिटी है, इन टेस्ट पे जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, तो टेस्ट वाले क्वेश्चन को बढ़िया से करने की कोशिश करो। जो भी फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट हैं और जो रिएजेंट बेस्ड टेस्ट होते हैं, चाहे वो हिंसवर्ग वाला हो, कार्बाइलमीन वाला हो, विक्टर मेयर टेस्ट हो या ल्यूकास टेस्ट हो, वट एवर एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिक टेस्ट हो, उसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जेई मेंस और नीट के लिए, ठीक है ना, समझ में आया ना, कोई डाउट तो नहीं रह गया ना। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, कुछ और क्लासिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई मेंस 19 और नीट 19 के लिए। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा रिसेंट 10 ईयर्स के अंदर काफी पूछे गए हैं, शायद ही कभी ऐसा हुआ है जब एसिडिटी और बेसिसिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इसीलिए मैंने चूज किया यहां पर, आपको बताना है यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, ठीक है, बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन। अब सीधे से कंसेप्ट पे काम करता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो पुअर होगा, और अगर पुअर एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब एसिडिटी का जो ऑर्डर है वो कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर का जस्ट रिवर्स होगा। तो हम सबसे पहले पता कर लेते हैं एसिडिटी क्या है, तो कंपाउंड पे आते हैं, तो हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है, अगर मैं इसको देखूं तो हमारे पास गिवन है इथेन, अगर मैं इसका एसिड बनाता हूं तो हमारे पास गिवन है इथाइन मतलब एसिटिलीन, हमारे पास गिवन है अमोनिया और हमारे पास गिवन है वाटर, चार कंपाउंड गिवन है। अब देखो हर किसी का पीके वैल्यू तो आप याद नहीं रह सकते, पर कुछ लॉजिक लगा सकते हो, जैसे लॉजिक क्या है कि वाटर एसिटिलीन और अमोनिया दोनों से ज्यादा एसिडिक होता है, तो नो डाउट वाटर तो सबसे ज्यादा रहेगा। अब इन दोनों में हमें पता है कि एसिटिलीन ज्यादा एसिडिक होता है अमोनिया से, और इसका रीजन भी है sp हाइब्रिडाइजेशन है, 50% s कैरेक्टर है, मतलब यहां का कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए
अगर हम इस पे माइनस चार्ज दे देंगे तो ठीक ठाक स्टेबलाइज कर लेगा, तो मतलब एसिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एसिटिलीन दो नंबर पे आ जाएगा, तीन नंबर पे आ जाएगा अमोनिया, और सबसे पुअर एसिड है आपका इथेन, जिसका पीके वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 49-50 के आसपास होता है, तो बहुत ही पुअर एसिड है। तो एसिडिटी का ऑर्डर हो गया वाटर, एसिटिलीन, अमोनिया, इथेन। तो कंजुगेट बेस का जस्ट मैंने आपको बोला एसिडिटी का क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा CH3CH2- देन NH2- देन आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा C2 एक H चला गया ना C2H- देन हो जाएगा OH-। तो ऐसा क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। CH3CH2- NH2- सॉरी CHC ट्रिपल बॉन्ड C- और OH-। तो बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट था, आपने एसिडिटी चेक करनी थी और एसिडिटी को जस्ट रिवर्स कर देना था कंजुगेट बेस का आएगा। तो फाइनल फटाफट कंक्लूजन पे आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस पुअर होता है और पुअर एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। बस इसी कंसेप्ट को लगाना है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे। छोटी छोटी चीजें याद रखनी चाहिए, जैसे कि आप अगर अल्कोहल की बात कर लो तो जितने भी एलिफैटिक अल्कोहल होते हैं मिथेनॉल को छोड़ के वो पानी से कम एसिडिक होते हैं, सिर्फ मिथेनॉल ही एक ऐसा है जो पानी से ज्यादा एसिडिक होता है। तो CH3OH ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन ऑल एलिफैटिक अल्कोहल, और एरोमेटिक अल्कोहल में बात से ज्यादा एसिडिक होते हैं कार्बोलिक एसिड, जिसकी फिनॉल मिथेनॉल इथेनॉल से ज्यादा होगा। पानी की बात कर ले तो ये एसिटिलीन हो गया, अमोनिया हो गया, इनसे ज्यादा एसिडिक होता है। अगर हम बात कर ले एसिटिलीन की तो ये इथिलीन से ज्यादा एसिडिक है, इथिलीन की तो इथेन से ज्यादा एसिडिक है। तो ये चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। जो मैंने बोला इसको नोट कर लेना और बढ़िया से पॉइंट्स बना के इनको लिख लिख के रिवाइज कर लेना एक बार, जिससे आपको एग्जाम के दिन में बहुत बढ़िया से याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, वेरी क्लासिकल क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम पॉलीमर केमिस्ट्री। यहाँ पे पॉलीमर साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बोला गया है कि मोनोमर्स जो है बूना एस रबर में क्या यूज होता है। तो पहले आप बताओ बूना एस रबर क्या है, मतलब SBR, बूना एस रबर को हम बोलते हैं SBR, मतलब स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। अब ब्यूटाडाइन क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया B4 ब्यूटाडाइन और S4 हो गया स्टाइरीन, और बेटा ये हो गया आपका CH डबल बॉन्ड CH2 स्टाइरीन। तो इसको बनाने में एक आपका कंजुगेटिव डाइन यूज किया गया है और एक आपका एरोमेटिक कंपाउंड यूज किया गया है। तो कंजुगेटिव डाइन और एरोमेटिक कंपाउंड पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। उम्मीद है पॉलीमर केमिस्ट्री की छोटी छोटी चीज आपको पता होगी, बूना एस रबर क्या होता है, बूना एन रबर क्या होता है, थियोकोल रबर क्या होता है, आपका न्योप्रीन पॉलीमर क्या होता है, ग्लिप्टल क्या होता है, मेलामाइन क्या होता है, बेकेलाइट क्या होता है, इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर जो टेबल बना हुआ है जहां पे मोनोमर पॉलीमर दिए गए हैं उनको बहुत बढ़िया से एक बार जहां पे पढ़ते हो वहां पे चिपका लो और डेली देखते रहो। फ्लैट क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में और नीट में, तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो। दैट्स ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कहां से ये क्वेश्चन है आपको पता भी नहीं चलेगा आपका नेगेटिव हो गया, क्योंकि एक कंसेप्ट जो आप बुक्स में ढूंढोगे जल्दी दिखता नहीं है, ये वहां से क्वेश्चन है। क्या कि कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन का भी कोई रेट होता है? अक्सर मैंने देखा है बढ़िया स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि सर क्या कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन का भी रेट होता है? हाँ होता है, और इसी को यूज करने के लिए 1 equivalent हाइड्रोजन लगाया गया है। मैं आपको एक्सक्लूसिव रेट दे रहा हूं जो कि बहुत कॉमन है, भूलेंगे नहीं, रेफरेंस है मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहां पर से आपको ये डेटा दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजिनेशन की तेज रेट होती है एसिड क्लोराइड के साथ, दूसरा रेट होता है नाइट्रो के साथ, तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, चौथा होता है डबल बॉन्ड के साथ, पांचवा आपके पास है एल्डिहाइड, छठा आपके पास है कीटोन, सातवां आपके पास हो जाएगा साइनाइड, और तब जाके आता है एरोमेटिक सिस्टम। अब क्या होता है कि अगर मान लो हमें इसी कंपाउंड के अंदर, मैं कुछ आऊंगा, मान लो यहां पे CO लगा हुआ होता, यहां पे नाइट्रो लगा हुआ होता, और हमसे पूछा जाता कि 1 equivalent हाइड्रोजन और PT दिया गया है, बताओ कौन रिड्यूस होगा। अगर हाइड्रोजन और निकल इनफ अमाउंट में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितने भी अनसैचुरेशन है सब चले जाएंगे, लेकिन अगर लिमिटेड क्वांटिटी में है 1 EQ 2 EQ, तो हमें देखना होगा कि हम पहले किसको रिड्यूस करेंगे। तो ये एक एक्सक्लूसिव ऑर्डर है आपके लिए, आप इसको बिल्कुल दिमाग में रख लो, नोट बना के नोटबुक में इसको पेस्ट कर लो, बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, अब हाइड्रोजन और 1 equivalent है, तो यहां पे डबल बॉन्ड है और कीटोन है। अब आप मुझे बताओ
डबल बॉन्ड और कीटोन में कौन ज्यादा सेंसिटिव है हाइड्रोजिनेशन के लिए, मतलब कौन ज्यादा तैयार है कि आओ मैं हाइड्रोजिनेटेड हो जाऊंगा, और आंसर आएगा डबल बॉन्ड। तो अगर हम हाइड्रोजन और पीटी लेंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, तो बेसिकली जो ए हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा वो इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा, CO पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। आप डबल को रिड्यूस मत कर देना, ठीक है, बिल्कुल क्लियर ना। फिर हमें बोला गया H2Ni इनफ अमाउंट में है, आपको जितना यूज करना है आप कर सकते हो, तो ये डबल बॉन्ड भी चला जाएगा और यहाँ पर एक H और यहाँ पे एक H आ जाएगा, तो B हमारे पास हो जाएगा 5 मेंबर रिंग, ठीक है, ये भी गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, तो OH बन गया। फिर हमसे पूछा गया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या TPTH ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ये सब जो हाइड्राइड्स होते हैं जनरली डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं डालते हैं, जब तक कि वो डबल बॉन्ड आपका किसी एरोमेटिक या एक्सटेंडेड कंजुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ ना हो, जैसे कि सिरेमल्डिहाइड वाला डबल बॉन्ड। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सिरेमल्डिहाइड वाले डबल बॉन्ड को जो सिस्टम से जस्ट बाहर में कंजुगेशन में है उसको भी रिड्यूस कर देगा, अदरवाइज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या TPTH किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं डालता है। तो यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात कर लें तो ये कन्वर्ट कर देगा किसको, CO को CHOH में, और C हमारा हो जाएगा ये स्पीसीज, ध्यान देना ये स्पीसीज हो जाएगा, डबल बॉन्ड वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा। तो तीनों केस में तीन अलग अलग प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं, दिस वन आई थिंक दिस इज, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ए हो गया हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, सॉरी ये सी था और ये बी था, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। बात समझ में आई ना, मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाता और आपको ये 6 मेंबर सिस्टम लगा के 5 मेंबर सिस्टम लगा देते, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रो लगा देते, और मान लीजिए यहाँ पे आपको लगा देते COCl, और अब आपको बोलते कि बताओ एक मोल हाइड्रोजन और पीटी दिया गया है रिड्यूस कौन होगा, तो आप इसको रिड्यूस करते। बोला जाता दो मोल हाइड्रोजन दिया गया है पीटी दिया गया है तो आप इसको रिड्यूस करते, देन आफ्टर नाइट्रो को रिड्यूस करते। बोला जाता तीन मोल या मोर देन दैट है तो आप तीनों को रिड्यूस करते, तो एसिड क्लोराइड नाइट्रो एल्काइन एल्कीन एल्डिहाइड कीटोन साइनाइड एंड देन लास्ट में एरोमेटिक सिस्टम है। क्लियर है, तो बात समझ में आई, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, जुड़े रहो ऐसे और भी शानदार क्वेश्चन आने जा रहे हैं एक्सक्लूसिव फॉर यू। तो चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इस सेगमेंट में कुछ बहुत ही शानदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन चूज किए गए हैं जो कि जेई मेंस और नीट अक्सर पूछती है, एक से दो सुपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ये उनमें से एक है, तो बहुत ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज, एक काफी कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड लग रहा है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ही आसान है और बहुत ही लॉजिकल है। पहले आपको बोला गया है इसका हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए, तो चलिए हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है, एस्टर 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 एंड कीटोन। अब हाइड्रोलिसिस पे कीटोन का फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये चारों के चारों एस्टर जो होंगे वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेटा देखो हमारे पास स्ट्रक्चर रह जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, यहां से हो जाएगा COOH, यहां से हो जाएगा COOH, और आ जाते हैं यहां इस जगह से जो मेलोनिक लाइक सेंटर बन रहा है COOH, और ये हो गया COOH। ये पहले स्टेप में जो यहां का प्रोडक्ट होगा वो आपको दिखा है। अब इसने बोला हीट कर दो सिंपली। अब डिकार्बोक्सिलेशन पे मैंने आपको वीडियो दी थी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, आप उस वीडियो को एक बार देख लें, ठीक है। तो अब इस उसके लॉजिक को अगर लगाए तो मैंने आपको बोला था जो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बहुत प्यार से CO2 दे देते हैं, दूसरी बात मेलोनिक एसिड या इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी बहुत शानदार CO2 रिलीज करते हैं। दोनों कंसेप्ट यहां लगने जा रहा है, ये आपका फंक्शनल कार्बन है, ये आपका, या इधर से ले तो ये अल्फा ये बीटा, तो ये बीटा कीटो एसिड है, हीट करेंगे CO2 गया, हीट करेंगे CO2 गया, एक तो काम ये हो गया, ये दोनों के दोनों CO2 चले जाएंगे। तो पहली चीज जो समझ में आई कि दोनों के दोनों CO2 चले गए, यहां H और यहां H रह गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इस तरफ से, याद रखना अगर यहाँ पे COOD रहा होता, यहाँ पे COOD रहा होता तो आप DD लगा देते, ऐसा क्वेश्चन हालांकि था नहीं, तो तैयार रहना इस चीज के लिए, ये किधर से आया है आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ओके, अब हम आते हैं, ये मेलोनिक एसिड जैसा सेंटर है, मतलब एक कार्बन से दो एसिड जुड़े हुए हैं, तो मैंने आपको बोला था अगर एक कार्बन से दो कार्बोक्सिलिक एसिड कनेक्टेड हो तो CO2 निकल जाएगा, तो यहां से एक CO2 चला गया और यहां पे बच गया COOH। तो देखो
बहुत सारी ऐसी चीज है, आपको याद होगा मैंने आपको निकोटिनिक एसिड भी बताया था, है ना, आइसोनिकोटिनिक एसिड बताया था, निकोटिनिक आइसोनिकोटिनिक एसिड में किसका तेज डिकार्बोक्सिलेशन होगा ये भी मैंने आपको बताया था, हालांकि वो एडवांस लेवल और एम्स लेवल का था, आज हम उस लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा टोटल फोकस मेंस और नीट 19 पे है, बट अगर आपको वो फ्यूचर में बहुत काम आएगा और ऐसी ही सीरीज एडवांस के लिए भी मैं चलाऊंगा, एम्स के लिए भी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में जो हम इस कंसेप्ट को देख रहे हैं, तो दो कंसेप्ट का मैंने यूज किया जो कि मेंस और नीट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, पहला बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन काफी तेज होता है, रीजन भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन था, और दूसरा ये आपका कार्बोक्सिलिक मेलोनिक एसिड काफी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है मिनिमाइज करने के लिए CO2 निकालता है, इस पे भी हमने बात की थी, और यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कांसेप्ट था, मैकेनिज्म आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट हो गया, चलिए देखते हैं हमारे पास ऐसा कोई है क्या, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और COH, पहला आंसर करेक्ट हो गया। ओके, अगला एक बहुत ही क्लासिकल, बहुत ही बेसिक, और मैंने शायद ही कभी देखा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं है, एरोमेटिसिटी तो रहती ही रहती है, चाहे मेंस हो, एडवांस हो, एम्स हो, नीट हो, मिडसेट हो, कोई भी एग्जाम हो, रहती ही रहती है। अगेन एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एरोमेटिक प्रोडक्ट नहीं देगा, तो अब देखो मैंने आपके आसानी के लिए इसके नीचे प्रोडक्ट में क्या क्या बनेगा वो भी लिख दिया है, बट आप उम्मीद ना रखें एग्जाम में आपको सिर्फ रिएजेंट दे देगा और आपके पास रिएक्टेंट्स रहेंगे, आपको प्रोडक्ट खुद डिसाइड करना होगा। अब बेटा देखो ये बहुत ही शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एच माइनस यहां से प्रोड्यूस करेगा और आपने क्या करना है, यहां पे जो दो हाइड्रोजन है इससे एच प्लस निकाल लेना है, तो जो प्रोडक्ट साइड बनेगा दिस दिस माइनस बनेगा Na+, तो ये जो है हमारा एरोमेटिक सिस्टम है, तो ये तो एरोमेटिक हो गया। आगे आते हैं यहां पर AgBf4, ओके, ये क्या करेगा, AgBr मतलब 2AgBr आपका निकाल देगा, तो जो स्पेसीज बचेगी वो कुछ ऐसी स्पेसीज होगी, 12 बॉन्ड, यहां से होगा pH, यहां भी होगा pH, यहां होगा pH, यहां pH, और कुछ बहुत ही कम ऐसे कैटायन हैं जो इतना स्टेबलाइज्ड होते हैं, ये हाईली स्टेबलाइज्ड कैटायन बन रहा है, इसको हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटिनाइल डाइकैटायन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, प्लेनर है, एरोमेटिक सिस्टम है, तो अगेन ये भी हमारा एरोमेटिक हो गया। तीसरे पे आते हैं AgCl4, बहुत ही बेसिक्स है ये, ये बेसिकली AgCl का पीपीटी दे देगा, AgCl यहां से डिस्चार्ज हो जाएगा और जो स्पेसीज बनेगी ये बनेगी आपको साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, और साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन अगेन ब्यूटीफुल, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेशन है, रेजोनेंस एनर्जी भी इसकी काफी हाई है और एक बहुत ही अच्छा एरोमेटिक स्पेसीज है, लेकिन याद रखना प्रोपाइलियम से कम है। अब यहां आते हैं इस केस में यहां पे क्या होगा, AgCl का पीपीटी आएगा या नहीं आएगा, चलिए चेक करते हैं। अगर हम फर्स्ट ग्लांस में देखें तो हमें लगता है ओके AgCl आ जाएगा, बहुत बढ़िया है, पर सच्चाई ये है कि AgCl का पीपीटी ये नहीं देता है मेरे भाई, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अगर यहां से Cl- जाएगा तो, और ये AA एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और आपको पता है एंटी एरोमेटिक दिखता तो आपको बहुत आसान है कि घूम रहा होगा, बट एक्चुअली में द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम इज जनरली नेग्लिजिबल और क्लोज टू जीरो, सो ए बेसिक ऑर्डर आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा होता है एरोमेटिक सिस्टम का, देन होता है आपका नॉन एरोमेटिक सिस्टम का, और लीस्ट स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक सिस्टम, जनरली नहीं बनते हैं, और अगर बन भी गए तो टूट जाते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप इसको ले लीजिए, ये आपका एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, ये बहुत ही आसानी से टूट जाएगा, ये स्टेबल नहीं रहेगा। तो कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, तो चौथा जो हमारे पास हो गया ये एंटी एरोमेटिक है, मतलब एरोमेटिक स्पीसीज गिवन नहीं देगा। ओके दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन, आपको दो मेथड दिए गए हैं एसिड बनाने के लिए, एक हैलाइड से और दूसरा भी हैलाइड से ही है, पाथ अलग अलग है। मेथड वन में हमने हैलाइड का रिएक्शन MZ ईथर के साथ कराया, ग्रिग्नार्ड बनाया, CO2 के साथ एसिड बनाया, दूसरे में RBR का NaCN या KCN के साथ करवा के साइनाइड बनाया, अगेन हाइड्रोलिसिस करवा के एसिड बनाया। अब बोला गया है कि दोनों से अब आपको एक कन्वर्शन दिया गया इससे इसको बनाने के लिए, और बोला गया है कि इससे इसको कन्वर्ट करना है तो मेथड वन से जा सकते हैं या मेथड टू से जा सकते हैं या दोनों से जा सकते हैं या किसी से भी नहीं जा सकते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं, बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहली बात मैं आपको मैकेनिज्म फटाफट समझा देता हूं एक बार। देखो बेटा सबसे पहली बात कि RBR Mg से रिएक्ट करके पहले तो बनाता है RMgBr। अब ये RMgBr CO2 एक बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं है, पर इतना भी बुरा नहीं है कि R- को अपने पास आने ना दे, तो ये इस कंडीशन में C डबल बॉन्ड हो, जब ये आएगा
O माइनस और यहाँ से R जुड़ गया, और जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो बेसिकली यहाँ पे H लग जाएगा, R CO OH बनता है। यहाँ पे ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है कार्बोकेटाइन कार्बिनाइन, मतलब बेसिकली डेल माइनस अटैक करता सिंपली चल जाएगा। लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, अगले स्टेप में मान लेते हैं कि अगर हमारे पास CH3Br रहता और NaCN हमारे पास रहता, तो यहाँ क्या होगा, एक स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है, वाया SN2 पाथ जाएगा, मतलब H H H डॉट 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 Br, और बैक साइड अटैक होगा साइनाइड का, ठीक है। इसके बाद H H H CN आपके पास आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यही आपका 3 डिग्री होता CH3 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 Br, तो एक स्लो स्टेप आता और धीरे धीरे ये कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता CH3 CH3 पॉजिटिव। अब उसके बाद ये प्लेनर है, CN माइनस अटैक करता तो SN1 के थ्रू होता, यहाँ पे बन रहा है कार्बोकेटाइन। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि अगर हम इसमें दूसरा वाला स्टेप लगा देते हैं साइनाइड वाला CN माइनस वाला, हम पाएंगे कि ये ऐसा कार्बोकेटाइन के थ्रू जा रहा होगा जो कि सिंपली इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक रूल है ऑर्गेनिक में जिसको हम बोलते हैं ब्रैड्स रूल। ब्रैड्स रूल आपको बोलता है कि आप फ्यूज्ड कार्बन पे या जो ब्रिज्ड कार्बन होता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं दे सकते हैं, कार्बोकेटाइन नहीं बना सकते हैं, उसको sp2 हाइब्रिडाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पे दोनों प्लेन एक दूसरे पे गिर जाएंगे, स्टैटिक हिंड्रेंस आएगा, रिपल्शन होगी और स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होके ब्रेक डाउन हो जाएगा, कोलाइड कोलैप्स कर जाएगा। सो वी कांट डू दैट, हम कभी भी फ्यूज सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड नहीं दे सकते हैं, इसीलिए ये मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा। बिकॉज अगर हम KCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा अगर लेट्स से SN1 के थ्रू जाता है तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा जो कि हाईली 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 अनस्टेबल होगा, तो रिएक्शन आगे बढ़ के एसिड नहीं बनाएगी। और लेट्स से मान लिया कि हम जबरदस्ती सॉल्वेंट चेंज करके टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके कुछ फिजिकल और केमिकल कंडीशंस ऐसे बना दे कि SN2 पाथ के थ्रू जाता है तो भी नहीं होगा, बिकॉज उस कंडीशंस में जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी काफी पीक पे जाके बनेगी और यहां जाके रुक जाएगी, डाउन द वार्ड नहीं आएगी, तो एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी बहुत हाई पोटेंशियल एनर्जी वाली, ना तो SN2 के थ्रू जा सकता है ना ही SN1 के थ्रू जा सकता है आपका NaCN और KCN के साथ। बट हाँ, ग्रिग्नार्ड रीजन बहुत बढ़िया से बनेगा, अटैक भी बढ़िया से होगा, CO2 के साथ एसिड भी देगा, तो इसके लिए ग्रिग्नार्ड वाला मेथड बिल्कुल सही है, बट KCN वाला NaCN वाला वी आर रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, नहीं हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा पहला मेथड सही है, मेथड 1 विल वर्क, बट मेथड 2 जो है वो वर्क नहीं करेगा, तो मेथड 1 आपका वर्क करेगा, मेथड 2 वर्क नहीं करेगा। समझ में आया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, तो मजे आ रहे हैं तो समझने में, क्वेश्चंस को करने में। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेसिक्स और क्लासिकल क्वेश्चन पूछा गया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड से। यहां पे क्या पूछा गया उसको देखें, आपको बोला गया मेजर प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन इज, एक कंपाउंड दिया गया है और इसका रिएक्शन करवाने के लिए दिया गया है Br2 और Fe के साथ। ओके, ठीक है। अब हम अगर यहां पर ग्रुप्स को देखें जो कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस दिखाएंगे सिस्टम के ऊपर, जो इनकमिंग ग्रुप होगा उसको कहां पे ये लगने देंगे वो डिपेंड करता है कैसे एक्टिवेटिंग ग्रुप है यहां पे। तो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप NHCO है और Me और Me है, ठीक है। तो मिथाइल भी आपको पता है हाइपर कंजुगेशन की वजह से टोलुइन वाले केस में ये हाइपर कंजुगेशन शो करता है जिससे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। NHCO ग्रुप आपका ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, लेकिन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का ऑर्डर आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये ऑर्डर है आपके पास NH2 NR2 इक्विवेलेंट लगभग में है, OH है, OR है, देन आफ्टर आपका NHCOR है और सबसे पीछे CH3 है, मतलब NHCO ग्रुप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस Me से ज्यादा होता है। तो होगा क्या, अब होगा ये कि ये NH ऑर्थो पैरा दिखाएगा, अब देखो इसका ऑर्थो ब्लॉक है, ऑब्वियसली पैरा पोजीशन पे ही Br को कनेक्ट करेगा। अगर आपको पता नहीं होता तो आप इस Me के कंपैरिजन में आप ऑर्थो पे Br लगा देते, ऑप्शंस आपका नेगेटिव हो जाता, तो हम ऐसा नहीं करते। तो पहला वाला नहीं होगा, NH के अकॉर्डिंग डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आएगा, बिकॉज NHCO ग्रुप ज्यादा बेटर एक्टिवेटिंग हो
ग्रुप है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी किसी सिस्टम में मोर देन वन डायरेक्टिव ग्रुप मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए हो तो जो ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा वही इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए जगह देगा, जगह बताएगा कि वो कहां पे कनेक्ट होने जा रहा है। तो NHCO ग्रुप आपका ज्यादा बेटर एक्टिवेटिंग ग्रुप है मिथाइल के कंपैरिजन में, दैट्स व्हाई NHCO ग्रुप आपका डिसाइड करेगा कि इनकमिंग ग्रुप कहां के लगेगा। तो ऑब्वियसली NH के पैरा पे लगेगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, फोर्थ ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगला, ओ दैट्स ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब ये टोटल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, डेली लाइफ इन केमिस्ट्री, इनके लिए आप एनसीईआरटी से बाहर ना जाए। एनसीईआरटी बार बार उलट के देखे, डायरेक्ट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन काफी पहले भी 1987 में पूछा गया है, 1992 में पूछा गया, आईटी रुड़की ने इस एग्जाम्स में पूछा है, कई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आए, AIIMS में पूछा गया है, ये VIT का भी क्वेश्चन है। तो कई ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर इसको पूछा गया, और जनरली आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे आपने इस क्वेश्चन को पहले भी देखा होगा, नहीं देखा है तो इसको दिमाग में रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बोला गया कि मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड एक रेजिन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ऑब्वियसली मेलामाइन, तो इसके दो मोनोमर है, एक आपको पता है मेलामाइन खुद है और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड है, इसीलिए हम इसको मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेसिस्ट होता है, बहुत हाई टेम्परेचर तक ये विदस्टैंड करता है, पिघलता नहीं है, केमिकली इनर्ट होता है, और भी बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से ये काफी बढ़िया पॉलीमर बन पाता है। तो इस कंडीशन में पूछा गया है कि मेलामाइन के कितने लोन पेयर है, तो बेटा इसमें क्या करो ना, आप 6 सिस्टम बनाओ, कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, और अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बना दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हर एक कार्बन से याद रखना, कार्बन NH2 और NH2 कनेक्ट कर दो। अब आप ध्यान से देखो लोन पेयर को, 1 2 3 4 5 6 टोटल मिला के यहां पर 6 लोन पेयर हैं। तो हमसे पूछा गया था मेलामाइन में टोटल कितने लोन पेयर हैं, आंसर है 6 लोन पेयर। याद रखना इस चीज को, ऐसी छोटी छोटी चीज है जैसे क्रॉस लिंकेज किस किस में पाया जा सकता है। तो बेकेलाइट में CH2 का क्रॉस लिंकेज होता है, आपका वल्केनाइज्ड रबर में सल्फर का क्रॉस लिंकेज होता है, ऐसी छोटी छोटी चीज है जिसे, जैसे हमसे पूछा जा सकता है कि इसमें से किस पॉलीमर के अंदर जो मोनोमर यूनिट है उसके सेकंड पोजिशन पे क्लोरीन लगा हुआ होता है, तो आंसर आपका होगा नियोप्रीन के क्लोरोप्रीन पे सेकंड पे 2-chloro-1-3-butadiene होता है। छोटी छोटी चीज है, छोटी छोटी चीज, कॉन्गुलेशन के लिए हम नेचुरल रबर में क्या मिक्स करते हैं, एसिटिक एसिड 2-5% मिक्स करते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि पॉलीमर से रिलेटेड जो बेसिक्स इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी के अंदर उसको बार बार आप रीड करें। वहां से ये क्वेश्चन था, मेलामाइन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए था, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेसिस्ट होता है, ये आपका केमिकली बहुत इनर्ट होता है, बहुत ज्यादा यूजफुल पॉलीमर है, तो ये जो आपका मेलामाइन था स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। आपको पॉलीएमाइड फाइबर पता होने चाहिए, नाइलॉन 6 क्या होता है, नाइलॉन 6 क्या होता है, नाइलॉन 6-10 क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पता होने चाहिए, मैंने आपको बताया था PHBB, PGA, PBB और आपका PCL, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, याद है ना, सब कुछ याद है ना, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो पॉलीमर से क्वेश्चन आता है तो स्योर शॉट आपको करना ही करना है, क्योंकि ये आपका रैंक बहुत इंप्रूव करेगा। तो पॉलीमर बायोमोलिक्यूल डेली लाइफ इन केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों मैं बता रहा हूं, एक्चुअली अगर मैं आपसे बात करूं हेमी एसिटल या एसिटल या कीटल फॉर्मेशन की, तो जनरली एल्डिहाइड बहुत बढ़िया रिएक्ट करते हैं और ये हेमी एसिटल और कीटल बनाते हैं, लेकिन हेमी एसिटल और एसिटल बनाते हैं, लेकिन कीटोन के केस में अल्कोहल के साथ बढ़िया रिएक्शन नहीं होती है। कीटोन जनरली बहुत स्लगिश, बहुत धीमा रिएक्शन दिखाता है या फ्रोजन हो जाता है, रिएक्शन ही नहीं दिखाता है कीटोन किसके साथ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ, बट हाँ ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके साइक्लिक कीटन बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। अगेन रिपीटिंग, कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ कीटल नहीं बनाता है या बहुत फ्रोजन रिएक्शन दिखाता है, 3-5 days तक जब आप लैब में छोड़ोगे तब जाके कहीं कीटल के 5-10% चांसेस हैं बायमास बनने के। लेकिन अगर हम जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है जैसे ग्लाइकॉल हो गया, इनके साथ रिएक्शन करवाओगे तो कहीं जाके कीटल बन सकता है, और यहाँ पे लैम्डा ठीक ठाक होता है, हाफ लाइफ बढ़िया बन सकता है, आपको रिएक्शन रेट भी बढ़िया है। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर हम ग्लाइकॉल के साथ करवाते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली ग्लाइकॉल HH यहां से निकाल देगा, मतलब होगा क्या, देखो बेटा ध्यान से देखना, ये ग्रुप हमारा था C डबल बॉन्ड, यहां से O
ओ ओ, तो ये ऊपर वाला ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम हाइड्रोलिसिस कर, पहले तो हमने इसको ऐड कर दिया। चलिए मैं आपको फटाफट एक बार इसको करके ही दिखा देता हूँ, तुरंत 2 मिनट लगेंगे। तो बेसिकली हमने क्या बना लिया, ये ग्रुप हमारे पास बना है दिस, वेयर सी डबल बॉन्ड ओ ओ और सी टू एच फाइव ऐसे ही रह गया, यहां से कनेक्ट हो गया ओ ओ और ये। कई बार ये हम क्या करते हैं ना, जब हमें CO को प्रोटेक्ट करना होता है ना, हमें लगता है कि CO कुछ रिएक्शन को बर्बाद ना कर दे, किसी से रिएक्ट ना कर ले रिएजेंट से, हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो हमने कार्बोनिल ग्रुप को बेसिकली यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दिया है, ठीक है। कुछ ऐसा ही केस है, बाद में हाइड्रोलिसिस करोगे तो फिर से रिस्टोर हो जाता है कंपाउंड, बात समझ लो ना। तो ये वैसा ही केस है, तो हमने CO के साथ पहले एक साइक्लिक केस बना दिया। अब क्या करने का बोल रहा है, बोल रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर के साथ, ओके नो प्रॉब्लम। अब देखो ऐसा करने से फायदा क्या हुआ ये समझना, फायदा ये हुआ कि अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस पे कोई फर्क नहीं डालेगा, लेकिन अगर तुम यहां पे C डबल बॉन्ड रहने देते और अगर तुम डायरेक्टली इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कर देते तो ये रिएजेंट क्या करता, इसको भी सेकेंडरी अल्कोहल में मतलब HOH में कन्वर्ट कर देते। तो हम ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया। अब यहां पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ET2O कोई भी फर्क इस पे नहीं डाल पाएगा, ना 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 सॉरी कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। और इसको किस में रिड्यूस कर देगा भाई साहब, CH2OH में रिड्यूस आपका कर देगा। और हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, फिर से आ जाइए इस केस पे, हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, और अब एक कार्बन में 2OH नहीं रहेंगे, तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से OH और H हट जाएगा, -H2O निकल जाएगा, और फिर से जो हमारा ग्रुप था वो रिस्टोर हो गया। तो यहाँ पे लग जाएगा CO और नीचे लग जाएगा CH2OH, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है। पहले वाले स्टेप में ये बना था और दूसरे वाले स्टेप में हमारे पास ये बना था, यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन। तो बात समझ में आ गई ना, क्लियर है। तो ये सारी चीजें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एसिटल कीटल वाले कंसेप्ट को दिमाग में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल कीटल जनरली नहीं बनते, साइक्लिक कीटल का ही एग्जिस्टेंस होता है, आप इसको रियल लाइफ में देख पाओगे, अदरवाइज बहुत फ्रोजन रिएक्शन होती है। और फर्दर आपको मैंने यहाँ पे डिटेल में डील किया ही है, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, कुछ बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन हमारे पास और नजर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बायोमोलिक्यूल से और डेली लाइफ इन केमिस्ट्री से अगेन मैंने पुट किया है। यहां बोला गया है कि विटामिन B12 जनरली किस मेटल को रखता है, तो आपको पता होना चाहिए, चाहे हीमोग्लोबिन की बात की जाए या विटामिन की बात की जाए या क्लोरोफिल की बात की जाए, इनमें कौन कौन सा मेटल प्रेजेंट है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विटामिन B12 को हम कोबेलामीन भी बोलते हैं, इसके कई डेरिवेटिव्स है, साइनोकोबेलामीन हो सकता है, हाइड्रोक्सी कोबेलामीन हो सकता है, मिथाइल कोबेलामीन हो सकता है। ये कोबेलामीन बेसिकली कोबाल्ट से डिराइव्ड हुआ है, कोबाल्ट से ये वर्ड बना है कोबेलामीन। तो ये जो विटामिन B12 है ये बेसिकली कोबाल्ट 3 को रखता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं रिसेंट 10 ईयर्स के अंदर, मैंने जेई मेंस और नीट को देखा है। तो इस कंडीशंस में आप इसको प्लीज याद रखें, ठीक है। ओके, अगला लेक्चर, वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मार्वलस क्वेश्चन। यहां सेलेनियम डाइऑक्साइड का यूज किया गया SeO2। अब बेटा ये क्या करता है, ये बेसिकली CO के एडजेसेंट मिथिलीन ग्रुप को कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मान लो अगर हमने CH3 लिया और हमने COCH3 लिया, तो ये क्या करेगा, बेसिकली एडजेसेंट वाले ग्रुप को CH3 CO किसी एक साइड को मान लो इस तरफ COH में कन्वर्ट कर देगा। हुआ क्या, CH2H इस CH2 को कन्वर्ट कर दिया COH में, और ये रोटेट हो जाता है रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए। नाउ इस केस में आओ, यहां मैंने क्यों इसको बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन बोला, बिकॉज ऑफ सम रीजंस। यहां पे आपका साइक्लोहेक्सेनोन था, जब आप SeO2 के साथ करवाएंगे तो आप पाएंगे कि डबल बॉन्ड कोई भी एक साइड को आप ऑक्सीडाइज कर दें C डबल बॉन्डो में। अब दिक्कत यहां पे ये आ रही है कि डेल माइनस डेल प्लस इन दोनों के बीच में एक्सट्रीम रिपल्शन काम करेगा, बहुत ही एडजेसेंट ग्रुप है। ऊपर वाले केस में आपने देखा ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेट हो जा रहे थे, बट यहाँ पे रोटेशन हिंडर्ड है, फ्रोजन है, ये रोटेट नहीं कर पाएगा। इसलिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत काम होने जा रहा है, एक कीटो ऐसा ही रह जाएगा और ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या हुआ, देखो ये एक कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल सिस्टम बन गया, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ गई और साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड काम कर गया। तो पहली बात, यहाँ पर आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग काम कर रहा है, और दूसरी बात, एक कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है, कॉन्जुगेट कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये दोनों मिलके इनोल कंटेंट को मैक्सिमाइज कर देंगे और ये कीटो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड चौथे ऑप्शन में इनोल कंटेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो
कोई डाउट नहीं तो समझ में आ रही है ना बात। सेलेनियम डाइऑक्साइड हो गया या कैन हो गया, सेरिक अमोनियम नाइट्राइट हो गया या आपका सेरिक अमोनियम नाइट्राइट सॉरी, या आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड हो गया या मेटाक्लोरोपरॉक्सी बेंजोइक एसिड हो गया या और भी तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रोल क्या है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको SiO2 का रोल बताया, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओ माई गॉड, ये वही क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को हमने आज से कुछ महीने पहले कार्बीन एक लेक्चर दिया था, वहां पूछा था और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या बोल रहा है कि सिंगलेट कार्बीन दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बहुत ही शानदार केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। देखो बेटा, यहां होता क्या है कि सिंगलेट कार्बीन आपका कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर एक हैलोजन है और यहाँ पे आपका दूसरा हैलोजन है, ठीक है। मान लो मैं बात कर रहा हूँ CH2 का, अभी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ नहीं लेते। यहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये इसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है और साथ ही साथ इसके एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये इसका एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। अब देखो क्या होगा, होता कुछ ऐसा है, ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं, ये लोन पेयर बारी बारी बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल के साथ। तो होता क्या है, अब देखो, अगर मान लो फ्लोरीन होता तो 2p यूज करता, क्लोरीन होता तो 3p यूज करता, ब्रोमीन होता तो 4p यूज करता, आयोडीन होता तो 5p यूज करता और ये क्या है 2p ऑर्बिटल है। तो 2p 2p, मान लो यहां फ्लोरीन होता तो 2p 2p ओवरलैपिंग होती, क्लोरीन होता तो 3p 2p ओवरलैपिंग होती। अब आपको पता है 2p 2p ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि कंपेरेबल साइज है, किससे, 3p 2p से, देन 4p 3p से। सबसे जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। इसका मतलब है सबसे ज्यादा सिंगलेट कार्बीन आपका जो स्टेबल होगा वो CF2 होगा, देन CCl2, देन CBr2, देन Ci2। सो दिस इज करेक्ट बिकॉज यहां पर एक्सट्रीम काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, बैक बॉन्डिंग, क्योंकि फ्लोरीन के केस में 2p 2p बैक बॉन्डिंग काम करेगा, क्लोरीन में फर्दर 3p फिर 4p 5p काम कर रहा है। तो एक छोटे से और एक लंबे से ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग सिंपली इंपॉसिबल सी हो जाती है, तो CBr2 Ci2 फिर एक्सट्रीमली अनस्टेबल हो जाते हैं। CF2 बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा, बट याद रखना हम सिंगलेट की बात कर रहे हैं, हम ट्रिपलेट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका भी कांसेप्ट आपको उस वीडियो को देखें, आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्मड ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल। आई थिंक एल्कोहल यहाँ पुट नहीं किया गया है, आप देख लेना, आपका एल्कोहल कुछ ऐसा एल्कोहल होगा, यहाँ यहाँ और यहाँ पे OH है, ये एल्कोहल दिया गया, ठीक है। तो चलिए हम इसको फटाफट एक बार देख लेते हैं, ज्यादा मुश्किल इसमें नहीं आएगी, कौन सा एल्कोहल आपका फॉर्म नहीं हो सकता है। तो देखो हमारे पास स्ट्रक्चर ये दिया गया है, 2-methyl है और यहाँ पे OH दिया गया, बोला गया कि कौन सा फॉर्म नहीं हो सकता, हम पता कर लेते फॉर्म क्या, पूरा मैकेनिज्म ही ड्रॉ कर लेते हैं ना, डिहाइड्रेशन करवाना है। तो यहाँ से आपका बेसिकली एसिड से H+ आएगा, कार्बोकेटायन आपने फॉर्म कर लेना है, यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ से दो चीज हो सकती है, एक तो हम यहीं से इलिमिनेशन करवा दें, तो यहाँ पर वाला हाइड्रोजन बेसिकली हटेगा, यहाँ से -H+ होगा, ये बॉन्ड अंदर की तरफ आएगा, तो एक तो स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा हो जाएगा, यहाँ यहाँ और एक डबल बॉन्ड, पहला तो ये बन जाएगा, तो यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड चौथा बन सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं, अब अगर हम इसी का रीअरेंजमेंट करवा दें तो ये भी पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट करवा देने के बाद क्या पॉसिबल है, यहाँ मिथाइल शिफ्ट हो गया, हमने यहाँ पे 1-2-ME शिफ्ट करवाया तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, अब यहाँ फिर से इलिमिनेशन करवा दो, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया और ये बॉन्ड अंदर आ गया, तो -H+ हमने फिर से इसका एलिमिनेशन करवा दिया, यहाँ 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 डबल बॉन्ड बन गया, ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास, हाँ जी ये भी है, तो दो भी बन सकता है, हमसे पूछा गया नहीं बन सकता है। अच्छा अब अगर हम यहीं पे, ये आपका 7-membered रिंग है और 6-membered रिंग से ज्यादा स्टेबल होता है, तो अगर हम रिंग को छोटा कर दे तो ये हमारा 6-membered रिंग बन जाएगा और ये ऐसा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम क्या करवाएंगे, इसका फिर से एलिमिनेशन होगा, एक हाइड्रोजन जाएगा। अब देखो ध्यान देने वाली कुछ बात क्या है कि अब देखो यहाँ पे देखो रीअरेंजमेंट, तुम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं ला सकते क्योंकि ऑलरेडी 3 degree है और तुम अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो फिर से 3 degree होगा। और आपको पता है शिफ्टिंग की शर्त ये है कि हर एक स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक स्टेप में एक 2 से 1 बना दे और अगली बार 3 बना दे, तो ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको हर एक स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ानी है। तो यहाँ हम 3 degree से 3 degree नहीं आ सकते, तो इलिमिनेशन हो जाएगा
और हमारे पास प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। और हमारे पास ये भी हो सकता था कि डबल बॉन्ड नीचे की तरफ बन जाए, ये भी पॉसिबल था कि डबल बॉन्ड हमारे पास ऐसा बन जाए, ऐसा ये भी डबल बॉन्ड हमारे पास बन सकता। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, हमारे पास एक भी है, और ये जो इसने तीन दे दिया ना, ये सही नहीं किया है। क्यों? तीन इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज ये अगर हम इसको ऐसा बना देते हैं, ये कब बनेगा, थर्ड ऑप्शन कब आएगा, जब हम इसको ऐसा बना दे, हम इससे इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देखो, कन्वर्ट होने के लिए कुछ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, कुछ ज्यादा स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ये भी 3 डिग्री था, ये भी 3 डिग्री था, तो 3 डिग्री टू 3 डिग्री कन्वर्जन जनरली देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसा कन्वर्जन आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा फ्रिल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, अदरवाइज आपको बहुत रेयर केसेस है जहां पे 2 डिग्री 3 डिग्री टू 2 डिग्री आते हैं या 2 डिग्री टू 1 डिग्री आते हैं, बहुत रेयर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं होता नहीं है, बहुत रेयर है, बट जनरली 3 डिग्री से 3 डिग्री आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो थर्ड ऑप्शन होगा। समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बिल्कुल सतावहार क्वेश्चन, एवरग्रीन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन एग्जामिनेशंस के लिए जो कि 11 12 पे बेस्ड होते हैं। तो बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है जेई मेंस और नीट के लिए, ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें एक एल्कीन दिया गया है और उसका ब्रोमिनेशन करवाने के लिए दे रहा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी स्टीरियो केमिस्ट्री आपने याद रखनी है। वो क्या कि आपको पता है BRBR, एक्चुअली BRBR इतने ज्यादा आयनाइजेबल नहीं होते हैं कि आप उम्मीद ना करें कि ये BR प्लस BR माइनस में टूट जाएगा। लेकिन होगा क्या कि जब ये BRBR इसके क्लोज आएंगे, देखो बेटा ये काम कैसे करता है, इसके जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इसको रिपेल करना स्टार्ट करता है। तो पहले क्या था, ये सिमेट्रिकल क्लाउड थे, इसको धीरे 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 रिपेल कर देता है। तो होता क्या है कि इसकी क्लाउड डेंसिटी, इस तरफ थोड़े से कम क्लाउड है, इस तरफ ज्यादा क्लाउड हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये इसके साथ एक बॉन्डिंग सी बना लेता है और ये हो जाता है डेल प्लस और डेल माइनस। तो याद रखना, ये एक्चुअली काम कर रहा है इंड्यूस्ड डायपोल बनने के वजह से। देखो कितना कोर कंसेप्ट है, इंड्यूस्ड डायपोल बन रहा है ब्रोमीन के अंदर, इसीलिए ये इस वे में कनेक्ट होता है। और एक्चुअली ये धीरे धीरे ये फॉर्म ले लेगा आपका BR। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है BRBR, इसको बोलते हैं NCC। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था नॉन क्लासिकल कटायन। अब क्या होगा, BR माइनस बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है, बैक साइड से अटैक करेगा, बॉन्ड यहां से ब्रेकआउट होंगे और आपके पास ऐसा सीन क्रिएट होने जा रहा है। मान लो अगर ये अबव द प्लेन है तो ये हमारा बिलो द प्लेन होगा, तो हमारा पहला प्रोडक्ट जो A हो जाएगा वो हमारा, तो अब इन दोनों में से 3 और 4 में एक जैसे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। तो अब आगे हम चल के देखेंगे। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि इसी कंपाउंड का रिएक्शन आप OSO4 के साथ कराए, ओस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ। ओके, मैं आपको हाइड्रोक्सिलेशन की पहले भी 2-3 क्वेश्चन दे चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं बेयर रिएजेंट के साथ, जहां पर एल्कलाइन कोल डाइल्यूट KMnO4 होता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है। OSO4 के साथ भी सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है, CF3CO3H या CH3CO3H के साथ एंटी आपका हाइड्रोक्सिलेशन होता है, MCPBA मेटाक्लोरोपरॉक्सी बेंजोइक एसिड के साथ भी एंटी आपका हाइड्रोक्सिलेशन होता है। तो यहाँ पे OSO4 है और आपको पता है ये कैसे काम करेगा। एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे O और यहाँ से ओस्मियम डबल बॉन्ड, इसको बेटा बोलते हैं ओस्मिक एस्टर, देन आफ्टर हाइड्रोलिसिस होती है और ये सिन प्रोडक्ट बनाता है, मतलब एक तरफ OH और दूसरी तरफ OH, बिल्कुल बेयर के जैसा ही बनाएगा। और इस प्रोसेस में आपका OS, जो OSO3 माइनस है, बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाता है H2OSO4 में, ऑस्मिक एसिड बनाता है। पहले ऑस्मिक एस्टर बना जो कि आपका हाइड्रोक्सिलेशन दे रहा है और सिन हाइड्रोक्सिलेशन दे रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, आई थिंक दोनों एक जैसे हैं, तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। तो एक भी लेक्चर नहीं छोड़ना है, सारे लेक्चर आपको अटेंड करने हैं जब तक हम एग्जाम से पहले तक आपको इन सारे लेक्चर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप हमें बताओ हमारा एफर्ट आपको कैसा लगा, ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। और मैं आपको बोलूंगा बहुत मेहनत करो, अपना पूरा जी जान लगा दो, इसमें एक बढ़िया रैंक निकाल के दो, वो हमारे लिए भी अचीवमेंट होगा, आपके लिए भी अचीवमेंट होगा। हम दोनों को सिंक्रोनाइज वे में चलना है और बढ़िया कॉलेज आपको मिले, बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिले, बढ़िया IITs मिले, बस हम यही चाहते हैं, हमारा मेहनत सफल हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नई एनर्जी और रिदम के साथ। तब तक जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।